सकता है। 2017 का आंदोलन मैं खुद बैठ के टीवी पे देख रहा था, एकदम 2017 के आंदोलन जिसमें बिमल दाजू ने कुछ बहुत बड़ा कुर्बानी दिया था। ये क्या बोलता, मलाई मलाईदार कुर्सी में रहते हुए भी उन्होंने उनको त्याग किया था, पता नहीं फिर बंगाल सरकार के गोद में चले गए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, मुझे दुखद लगता बोलने में भी शर्म आती है मुझे। मैं झारखंड में, मेरा कई प्रिय गुजर गया, कभी झारखंड में हम लोगों का साथ भेदभाव नहीं करता। हम लोगों को उतना झारखंड के मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, इतना हम लोगों को वहां प्रेम करते हैं, लेकिन उतना वहां मेरा इतना पीढ़ी गुजर जाने का बाद भी आज भी मुझे अपने जाति के प्रति इतना प्रेम है। मैं एक देखता हूं गोरखालैंड सुनता हूं तो मेरा भी शरीर में खून उबलता है, सोचता हूं मैं भी भगत सिंह बन जाऊं। लेकिन अभी बिमल राजू ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है, पूरे भारतवर्ष के 29 राज्यों के प्रतिनिधि को उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। कई लोगों का मैंने बात सुना, कल सुन रहे थे कि ये धर्म से भी बड़ा, जाति से भी बड़ा ये हमारी गोरखालैंड बहुत पवित्र, सही बात है। और कोई बता रहे थे कि इसको मंदिर के रूप में लेना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। ये गोरखालैंड हमारे बहुत ही पवित्र चीज है। हम होना पड़ेगा, गोरखालैंड के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कोई आंदोलन का रूप ले लिया फिर जाके आप बंगाल सरकार के गोद में जाके बढ़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। और हमको यही लगता है कहीं ना कहीं आपको गोरखालैंड के लिए सत्ता, लोभ और लालच आपको त्याग करना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि अभी तक का मैं इतिहास देख रहा हूं, मुझे यही दिखाई दे रहा है। और हमारे समाज में, मैं 4 तारीख से दार्जिलिंग में था, जगह जगह घूम रहा था, तो कुछ कुछ चीजें मुझे भी ऐसा लगा, तो फिर लगा कि हमारे नेता लोग सोया हुआ है, पहाड़ के नेता लोग सोया हुआ है। तो मैं किसी से बात कर रहा था तो उन लोगों ने कहा कि हाँ रियली में हम लोग का पहाड़ के नेता लोग सोया हुआ है। अरे सोया ही रहेगा, इनको चाहिए पैसा सत्ता। इनको चाहिए पैसा और सत्ता। आप दार्जिलिंग में जाके देख लीजिए, इतने प्रकृति में इतनी सौंदर्य, इतनी सुंदर और इतनी ठंडक, मुझे तो इतना मजा आता हो जाएगा। मैं 40 डिग्री के वहां पर रहता हूं, जमशेदपुर टाटा नगर मेरा 40 टेम्परेचर चलता, 48 टेम्परेचर चलता वहां। आपको हर घर में वहां एसी मिलेगा, बिना एसी के आप नहीं रह सकते। लेकिन दार्जिलिंग मुझे आता तो लगता है कि मैं अपने घर पे आ गया हूं, इतना मुझे प्रेम है। लेकिन वहां के पहाड़ के नेता लोग, उसी जमीन पे आप लोगों ने जन्म लिया, लेकिन आप लोग सत्ता लोग के इसमें अंधकार हो गए हैं। अपने जमीन पर बिक्री कर दिया आप लोगों ने, आपको स्वाभिमान को आप लोगों ने जिक्र किया। यही कारण है गोरखालैंड नहीं मिलना। मेरा जहां तक अनुभव है, मैं जानता हूं, जो पढ़ता हूं, जो देखता हूं, वही सत्यता के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं।
और इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी मैं यही बोलना चाहता हूं, सर आपने तो कहा था गोरखा का सपना मेरा सपना, सर कहां है? मैं तो झारखंड में बैठ के भी आपको बहुत ट्वीट करता हूं लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। सर ये तो आप ही के मुंह से हम सुना था सिलीगुड़ी में, गोरखा का सपना मेरा सपना। सर कम से कम इस देश के लिए गोरखाओं ने भी बलिदान दिया है, उस पर कम से कम आप ध्यान दीजिए। अब बाकी तो सर करना आपको है। और कमी कमजोरी तो हम लोगों में भी है। बोला जाता है कि बाजार में खरीदार बैठा हुआ लेकिन बिकने के लिए आप लोग तैयार हैं। खरीदार कोलकाता में बैठा हुआ है, बिकने वाला पहाड़ में बैठा है। मैं झारखंड का उदाहरण देता हूं। मैं उसी मिट्टी में जन्मा पला बड़ा, वहीं खेल कूद किया, भाई पढ़ा लिखा, आज मैं वहीं अपना बिजनेस कर रहा हूं। मैं झारखंड के इतिहास के बारे में बता रहा हूं। अगर ये झारखंड के गोरखा पुत्र सुखदेव गुरु पहाड़ के नेता में थोड़ा से भी अगर आपके खून में आपके लहू में गोरखा का थोड़ा से भी अगर खून होगा तो कल ही सब आप लोग एक मंच में आ जाएंगे। कल ही तो नहीं, थोड़ा समय लगेगा। मैं झारखंड का इतिहास बता रहा हूं आपको। झारखंड का जब पहले बिहार में था, बिहार और झारखंड एक था, झारखंड आंदोलन हुआ, कहीं आंदोलन हुआ, हाँ रेल का पटरियां उड़ा दी गई, कहीं विस्फोट हुआ, वो समय में आदरणीय शिबू सोरेन जी जो अभी झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताजी थे, उनके आंदोलन में ये हमारे विमल दादू जैसे ही वो भी व्यक्ति था, वो भी कहीं सजा काटा, जंगल काटा, वो भी वैसी जाति प्रेमी आदमी था। शिबू सोरेन ने अलग राज्य झारखंड के लिए कहीं आंदोलन किया, कहीं आंदोलन किया। उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे। इसी तरह हम लोग पहाड़ में देखते हैं ना कितना पार्टियां है, और मुझे तो शर्म आती है, हंसी भी आता पहाड़ का स्थिति देखकर। एक सांसद एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तीन विधानसभा क्षेत्र, पार्टियां आप देखेंगे तो 50 से ज्यादा है। मुझे आश्चर्य लगता है इस बात का। मैं होटल में हंस रहा था उस दिन जी, इसको देखो वही पार्टी खोल लेता है। क्यों भाई, क्यों पार्टियां खोलते हैं आप, उसका कारण क्या है, उसके पीछे आपको ये चाहिए। आपको ये चाहिए, राजनीति दुकान खोल रहे आप लोग, दुकान आपका पैसा है।
नहीं होना चाहिए। कई हमारे आसाम के मित्रगण आदमी कई भाई लोगों ने खाए बात एक दोनों में आए एक दोनों आइए ना भाई एक दोनों में आइए लड़ेंगे हम भी। झारखंड से 1,00,000 लोग आएगा 1,00,000 मैं वादा करके जा रहा हूं इस पवित्र स्थल से आज थोड़ा मुझे समय दीजिए बोलने का मौका मिला बहुत भड़ास था मन में भड़ास विमल दादू का है लेकिन मेरा जो बुद्धि और दिल दिमाग जो है ना वो झारखंडी बिहारी है। तो ये स्थिति है तो इतना राजनीति खोल के रखता 50 तो होगा वहां पर सोशल मीडिया में देखता हूं तो सारा बहुत बुरा लगता मेरे को तो क्या बोलिएगा शर्म भी आती है जिसको देखो वही राजनीति खोल देता पार्टी खोल देता किसी को अध्यक्ष बनना किसी को महासचिव बनना। अरे मेरे भाई अपना जाति बचेगा तब आप नेता रहेगा तब आपका पार्टी बचेगा। तो मैं बात कर रहा था झारखंड का इतिहास के बारे में मैं बता रहा था। इसी तरह शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आंदोलन चला वहां वो लोग भी कई लोग बेचारा शहीद हुए कई लोगों को खरीदने का भी कोशिश किया लेकिन वहां भी जैसा हम लोग का पहाड़ में है ना टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग पार्टी लेकिन झारखंड तो बहुत बड़ी जगह 25-26 तो शायद सांसद है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ऐसी है इतनी छोटी जगह में ऐसा पार्टी खोल के बैठा हुआ या लेकिन इतनी बड़ी जगह में लेकिन आदिवासी नेताओं का भी 9-10 तो पार्टी था लेकिन जब जाति अलग राज्य झारखंड के बारे में जब बात आता था तो वो लोग एक हो जाता था एक झारखंड का इतिहास एक है। मैं विनय तमान जी को एक पीछे से बोल रहा था आप जो टोपी पहने हैं ना इसका सम्मान कीजिए यही बात बोल रहा था। तो खलनायक कहीं हो सकता 2017 का ये तो हम बोलेंगे नहीं वो दुनिया जान रहा है आज गोरखालैंड नहीं मिलने का कारण भी यही है इसीलिए आज अच्छा हुआ तो कम से कम मुझे तो मौका तो मिला यहाँ पर आज रजावा साहब जैसे आदमी को मैंने यहाँ देखा हमारे आरएसएस के दिल्ली प्रमुख को भी देख रहे हैं तो कई लोग हमको ऐसा मिला। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास विमल आ चुका है भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे गोरखा गोरखालैंड प्रेमी जाति प्रेमी लोग आए हैं सभी लोगों का कल मैंने बात सुना इस बात को अच्छा लगा लेकिन कहीं लोग संविधान का भी पाठ पढ़ा रहा था। भैया संविधान हम लोग भी जानते हैं आपने भले लॉ पढ़ा होगा कानून का किताब पढ़ा होगा तो संविधान को पाठ पढ़ा के मुद्दा से मत हटाइए मुद्दा से मत हटाइए। सबसे बड़ा कारण पहाड़ में संगठित नहीं होना टुकड़ा टुकड़ा भाग में बंटना सबका अपना सत्ता का महत्वाकांक्षा है सबको कुर्सी चाहिए ये सब मोह माया सत्ता सभी को आप लोग त्याग कीजिए। हम तो यही बोल रहे हैं कि जाति बचेगा आपका जमीन बचेगा तब आप नेता कहलाएंगे
आपको वोट मिलेगा, आपका पार्टी बचेगा। मैं दार्जिलिंग में 4 तारीख से वहीं था, 8 तारीख को सिलीगुड़ी से आया। सुन रहा था कि थोड़ा देख रहा था कि बोला कई जगह सड़क खराब हमने देखा, तो बोला यार सड़क वड़क बनता नहीं क्या यार? तो बोला यहाँ का सांसद तो राजू बीस जी था, राजू बीस जी से भी मुझे मुलाकात करना था, उनसे भी बात करना था, उनको भी बोलते था आपने तो महाकाल बाबा का कसम खाया है, मैंने खुद सोशल मीडिया में देखा। महाकाल बाबा का कसम खाते हुए दार्जिलिंग के सांसद महोदय राजू बिष्ट जी मैंने सोशल मीडिया में देखा था। फिर मैंने पूछा कि भाई इतना सड़क खराब है भाई, गाड़ी कैसे ऊपर चढ़ेगा? बोलता दादू यहाँ ऐसी है। तो हमला सांसद फंड से कुछ बनता नहीं क्या? बोलता नहीं, पता ही नहीं चलता सांसद फंड आता कि नहीं आता। फिर तो बताया कि जीटीए बोलने लगा, जीटीए गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्या कर रहा है? बोलते ना दादू फंड नहीं है। अरे यार क्या तू मजाक कर रहा है क्या? बोलता हाँ दादू सत्य बात बोल रहे हैं। तो मैं बोला ये जो जीटीए का चेयरमैन उनके घूम रहा लाल बत्ती लगा के शपथ ले लिया, ये क्या हवा में था? बोलता हाँ दादू हम सत्य बता रहे हैं, फंड नहीं है। तो हम ये बात बोला तो भाई अनिल थापा जी आप जीटीए का चेयरमैन क्यों बन बैठा? मैं घुमा वहां पर देख रहा हूं, आपके पास में अगर फंड नहीं है तो दार्जिलिंग के लोगों ने आपको एक एक मत देकर आपको जितवाया, जीटीए का चेयरमैन बनाया। आपके पास फंड नहीं है तो क्या ये लफावती है? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। त्यागिए त्यागिए अपना जाति और गोरखा लेने के लिए सत्ता मोह लालच, आज यही कारण जो है संगठित नहीं होने के कारण पहाड़ के लोग आज ये स्थिति है। शर्म आनी चाहिए, जीटीए का शपथ तो ले लिया आपने लेकिन आपके पास में फंड नहीं है। तो फिर एक दम में फंड नहीं है बंगाल सरकार के पास, बोला हाँ बाजू बंगाल सरकार पर, अरे यार क्या बात करता है यार तू, इतना बड़ा सरकार चला रहा है, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास में फंड नहीं है, क्या बात करता है यार? ये दार्जिलिंग के लिए फंड नहीं है लेकिन वो लोग तो बम्बई में। लेकिन ये सबसे बड़ा मूर्खता हमारे लोग में है, समझना चाहिए। राजनीति कटुता, राजनीति महत्वाकांक्षा, यही सब कारण से जो है ना, तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत पिछड़ गए। और दूसरा चीज, कभी कभी हमको क्या लगता है कि हमारे दार्जिलिंग के लोग जो है ना बहुत सीधा साधा विचार, उनका कोई गलती नहीं है, जनता तो ने तो साथ दिया है। अब हो सकता है इनके पास में कोई चारा नहीं था, या तो फिर आपका ईवीएम सेटिंग कर दिया। मैं तो ये भी सोचता हूं, कभी कभी मुझे लगता भी है क्या ईवीएम सेटिंग तो नहीं था? फिर बोलता नहीं यार ईवीएम सेटिंग नहीं था, अगर जनता बेचारा परेशान हो गया था कि चलो मोटा भाई कुछ करेगा, इसलिए मत दे दिया। लेकिन जो भी किया है अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं जनता को दार्जिलिंग के लोगों को कोई भी दोष नहीं देना चाहता हूँ, बहुत भोले वाले हैं। ऐसे भी हमारे गोरखा जाति
दिल का बहुत अच्छा होता है, किसी का बुरा नहीं करता है बेचारा। अब ये सब चीज है, और दूसरा चीज है आपका, ये सब कारण से मुझे भी लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। मैं तो पहाड़ के नेता लोग, हमारे अजय अग्रवाल सर भी यहीं बैठे हैं। देखिए मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, बुरा नहीं मानिएगा। बुरा मानना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि देखिए हम तो जगाने के लिए आए हैं। अगर कल को अगर आवाज देंगे तो हम तो बोल दिया कप्तान मन धन, लेकिन ईमानदार आप लोग को होना पड़ेगा। करना आप ही लोग को है, बाकी तो विभिन्न प्रदेश से सभी लोग होता ना, हम लोग का अपना गोरखा जाति के लोग, हम लोग ऐसा करके देख रहे, ऐसा ऐसा आप ही लोग का ऊपर में नजर है। फिर कभी कभी सोचता है ये क्या 2024 का कोई फंडा तो नहीं है। फिर कभी कभी सोचता है नहीं नहीं हो सकता है मैं गलत हूं, वो लोग सही है, अपना जाति के लोग इकट्ठा हो रहा है। फिर कभी कभी सोचता हूं ऐसा तो नहीं कि मोटा भाई लोगों ने आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ा तो आप लोग इधर भाग के चले आए विमल दादी के पास। अपने को बचाने के लिए फिर कभी कभी सोचता हूं नहीं नहीं फिर सोचता हूं आप लोग सही कर रहा है। तो इसी तरह मेरे बात को बुरा नहीं मानिएगा सर, मैं बहुत क्लियर कट बात करने वाला हूं, एकदम सत्यता बात करता हूं। इसलिए सत्यता बात करता हूं कि हम लोग तो बोला भारत राज्य के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले गोरखा जाति के लोग ऐसा करके आप लोग देख रहा है ऐसा, लेकिन आप लोग में ईमानदारी होना चाहिए। बाकी जो भी कमेटी बन रही है बनाइए, करना आप ही लोग को है, हम लोग रहेंगे, आपको जहां करेंगे आप लोगों का कान भी पकड़ेंगे, बिल्कुल जहां गलत करेंगे आप लोगों का कान भी पकड़ेंगे, और मेरा ये अधिकार है, हम तो कर सकते हैं चीज को। इसी तरह है जो भी है आप लोग कीजिए, हम लोग पूरा झारखंड के गोरखा जाति के लोग हम लोग आपके साथ में है, और मैं तो खुद दार्जिलिंग में बहुत कुछ देख रहा हूँ आके, अभी मेरा पहले से विचार भी है तो अपने लोगों के कुछ करने के लिए, तो इसी तरह है हम लोगों मिलजुल के काम करना है। और खासतौर पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, दार्जिलिंग के मीडिया के लोग पता नहीं कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है, मुझे कभी कभी ऐसा, देखिए मैं कितना सच हूं क्या झूठ हूं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मेरा जो मुझे ना मैंने जो आकलन किया, बोला जाता है कि पत्रकार चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये लोकतंत्र का चौथा खंभा, लेकिन मुझे कभी कभी क्या लगता कि आप नहीं निभा रहे, ऐसा लगता है। हो सकता है कि हम सच है गलत है हम नहीं जानता, अगर गलत बोल दिया तो माफी भी चाहता हूं। और दूसरा चीज बुद्धिजीवी वर्ग, मैंने ये चीज को देखा, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग लोग पूरा सो गया, टोटल टोटल नेता छोड़ दीजिए, नेता बिकेगा, बुद्धिजीवी ये होता है वो आपका एक समाज का ऋण है, वो बुद्धिजीवी वर्ग उसको नहीं सोना है, उसको जगाना है। और मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग ये दोनों को तो सोना ही नहीं चाहिए। अब पता नहीं वो पहाड़ में बुद्धिजीवी वर्ग भी कहीं ना कहीं सोया हुआ मुझे वैसा दिखाई देता है, है? नहीं उतना ठंड में ना मैं सुबह 4 बजे नहाता हूँ, इतना ठंड में जबकि मैं सुबह भोर में 4 बजे नहाता हूँ, ठंड के बाद नहीं है। और हो सकता है
किस कारण है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा खासतौर पर अनुरोध है इसको बुद्धिजीवी वर्ग को नहीं सोना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि हमारे समाज में जो भी थोड़ा धनवान है, जो पैसा वाले लोग हैं, वो लोग का एक होना चाहिए। अभी जिसके पास भी पैसा है, धनवान है, मैं खुद वो लोग से बात करूंगा इस बारे में, थोड़ा से उन लोग को भी आगे आना चाहिए। सिर्फ अपने ही मेरा परिवार तो चल रहा, मेरा होटल है, ये नहीं होना चाहिए। आप लोग भी कुछ समाज के लिए कीजिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात कीजिए, वो तरह का है, उसमें मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। जो अपना समाज के अभी नहीं, देखिए परिवार तो मेरा भी चल रहा है, मेरा भी परिवार बम बम है ना, मेरा भी परिवार बम बम है, कार में घूम रहा हूँ, सब चीज है, लेकिन क्या सोचता हूँ मैं अपना जाति के लिए कुछ करना है। कुछ वहां उद्योग लगा देगा, वो लोग मिलेगा, ये मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने जो समाज में जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग का क्या है, अपने बारे में मत सोचिए, वो समाज के लिए बाहर आइए, आगे बढ़ाइए। इसी तरह ये काम हम लोग को करना है। और ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बोलना तो बहुत कुछ था, यहाँ पर हमारे एक लेटर पत्र आ गया है, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे थोड़ा अपना भाषा बोलता हूँ, लेकिन हो सकता मैं हिंदी जितना इतना क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल पाता, क्योंकि मेरा बात आप लोग तक जाना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। बाकी रजावा साहब लोग बैठे हैं, हमारे आरएसएस के बड़े भाई भी बैठे हैं, तो उन लोग भी सुने, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। और मैंने अगर गलत बोला है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ यह है कि हमारे पहाड़ के नेता को भगवान गणेश जी सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि दे, एक मंच पे आइए, एक दूलों पे आइए और गोरखा लैंड के लिए आगे बढ़िए, लड़िए, बिल्कुल होगा, एकदम होगा। इसी के साथ मैं वक्तव्य को अपना समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद।